तो दोस्तों Realme 8 Pro का फर्स्ट लुक बाहर निकल कर आ गया है कि कैसा कैमरा सेटअप होने वाला है, और यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि Realme 8 Pro में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले होगा, और अगर होता है तो Redmi की Note 10 सीरीज़ को टक्कर देने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशली Realme 8 Pro 5G की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक माइंड यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों Redmi भी Note 10 सीरीज़ में एमोलेड डिस्प्ले देने वाला है, तो हो सकता है कि Realme 8 Pro में एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाए, जो कि डिस्प्ले के मामले में काफ़ी अच्छी डिस्प्ले होने वाली है। चलिए और बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर। तो इसमें आपको स्क्वायर शेप में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें कि सैमसंग का HM2 सेंसर यूज़ किया जाएगा, जो कि Realme ने अभी अनाउंस किया है। और यहाँ पर इसका कैमरा सेटअप कमाल का होने वाला है, और फ्रंट साइड भी लीक हो गई है, जिसमें कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सिंगल पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा होने वाला है। अब बात आती है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो 99% कन्फर्म है कि इसमें आपको कोलकॉम का स्नैपड्रैगन 750G का पावरफुल बजट 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर द टेक गाय ने ट्वीट करके बताया है कि Realme 8 सीरीज़ के स्मार्टफोन 4G होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 750G का चिपसेट होगा। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस भी नेक्स्ट लेवल तक का होने वाला है, और ये चिपसेट आपको Moto G 5G और Mi 10i में भी देखने को मिलता है। तो बात करें इसकी बैटरी डिपार्टमेंट के तरफ, तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी के साथ 65W का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिलने वाला है। तो आते हैं इसके लॉन्च डेट और प्राइस के तरफ। तो ये स्मार्टफोन आपको मार्च के लास्ट या अप्रैल में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 19,000 से लेकर 22,000 तक के बीच में हो सकती है। और दोस्तों मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप Realme 8 सीरीज़ के स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे या फिर Redmi की Note 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन लेने वाले हैं, और क्या आप लोग इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं। मैं तो बहुत हूँ, कमेंट में बताइएगा जरूर। बस इतने ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।